और कथा तो वही होती है, आप सब जानते हैं विद्वान, कि जा पे कृपा राम की होई और ता पे कृपा करे सब होई, जिस पे भगवान ही निभाए संसार ही निभाए, और जिससे भगवान ही निभा टेढ़ी हो उससे संसार ही टेढ़ी। भगवान की कथा भागवत ज्योत जागरण धर्म के काम ये वही होते जहाँ बंसी वाले की कृपा होती है। भगवान से अरदास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्या कह रहा है, धनवानों का मान है जज में, निर्धन का कोई मान नहीं, तू ही बता दे ओ मेरे भगवान, निर्धन का इंसान भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप संसार के परमपिता परमात्माओं दुनिया मांगते लड़का तो मैं मांग रहा हूँ कन्या कन्या साधु संतान का संकल्प लेकर के नाव पे आए और नाव लेकर के अपने धाम में आए। पत्नी लीलावती को वरदान बताया, मैं संतान प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के संकल्प लेकर के आया, भगवान के आशीर्वाद से यदि हमारे घर बेटी का जन्म होगा तो अवश्य भगवान की कथा होगा। पत्नी बोली तू ये कह के आई क्या मांगचार, भगवान बोले दोनों युद्धा अतिथि दी वो भगवान। अब भगवान की कृपा है, लीलावती को चित्रकार गर्भिणी होती है और नवे वंश से एक सुंदर कन्या का जन्म होगा। बोली पंडित जी के पास जाओ, नक्षत्र दिखलाओ, नक्षत्र बेटी पैदा हुई है और कौन से दिनेश का नाम कर्म संस्कार होगा। पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी ने बताया दसवें दिनेश का नाम कर्म संस्कार होगा। दसवें दिन पंडित जी नाम रखने के लिए आए, पंडित जी ने बेटी का नाम रखा तो उसका नाम निकला कलावती। भगवान की कथा साधु वैष्णव बेटी के जन्म पर नहीं कराई, कहा जब कन्या का होगा विवाह तब सब कुछ देखा जाएगा, जब सब कुछ देखा जाएगा, जब सब कुछ देखा जाएगा कर दिया जाएगा, मैं सभी कर दिया जाए, साधु वैश्य ने बेटी के जन्म पे भगवान की कथा नहीं कराई।
साधु वैश्य की पत्नी बोली भगवान की कथा कराओ, तुमने संकल्प किए थे। साधु वैश्य बोले कन्या विवाह परांत सत्यनारायण व्रत कथायाम संकल्प। जब कन्या का विवाह होगा जब कथा होगी भगवान की, जाको दुख दाने पर नहीं ताकि मत पहले हरि ले। कष्ट देते तो बुद्धि खराब होती है, और जब बुद्धि खराब होगी तो सभी काम उल्टे होते हैं। लीलावती भगवान से प्रार्थना करने लगी, पंडित जी नाम रख के चले गए। साधु वैश्य ने भगवान की कथा बेटी के जन्म पे नहीं कराई, नहीं कराई। लीलावती रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तू भी के मर गया रे चुल्लू भर पानी में, तू भी के मर गया रे चुल्लू भर पानी में, तू भी के मर गया रे चुल्लू भर पानी में। लीलावती भगवान से प्रार्थना करती है, मेरा कोई दोष नहीं। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, जो कुछ परेशानी आप दे साधु वैश्य को देना। क्यों
उसने संकल्प किए थे। पंडित जी नाम लेके चले गए भगवान श्री संत नारायण की कथा साधु वैसे में बेटी के जन्म पर लिख कराई कन्या कलावती। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है ताल ताल बेटी बढ़ने लगी। कैसे बढ़ने लगी? एक काल की भैया कन्या एक काल की भैया कन्या कलावती। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है तैसे सालों साल बेटी बढ़ती है। राधे जब बेटी बढ़ने लगी पति की लीलावती की दृष्टि बेटी पे पड़ी और पति से कहा प्रभु मेरी बेटी विवाह के योग्य है अब इसका विवाह करना जरूरी है। राजा ने साधु ने अपने दूत को कंचन नगर भेजा। कंचन नगर नाम है कलकत्ता। इसका नाम था पहले कंचन नगर। क्या देखा समुद्र के समीप गए एक बनिया के पुत्र को लेकर के आए। परिवार सहित बंधु सहित कन्या कलावती का विवाह संस्कार किया। पत्नी बोली भगवान तुम्हें कथा कराओ तुमने बेटी के जन्म पर भगवान की कथा नहीं कराई अब बेटी का विवाह किया कथा कराओ। साधु वैसे बोले जो धन था वो लोगों ने लिए विवाह का अब कथा कैसे होगी होगी भगवान बोले झूठा बहुत मिले ऐसा ईमानदार ना मिले हमको भगवान जी। साधु वैश्य को अब दंड देना जरूरी हो क्या भरोसा है जिंदगी का।
भगवान ने आकाशवाणी की, तेने दो बार झूठ बोला है मेरी पूजा में, अब तुझे दंड देना जरूरी है। दुख दुख साधु भैंस की बेटी कन्या कलावती दामाद सहित लौट करके घर आई और साधु भैंस दामाद से बोले चलो व्यापार के लिए चलते, एक हो तो डूबा एक हो तो ले डूबा, आप गए तो गए साधु भैंस दामाद को भी साथ ले। जैसे राजा चंद्रकेतु ने राजधानी में प्रवेश किया फिर रखा, उसी रात को राजा के यहाँ चोरी हुई थी, चोरी उनके जो दूध थे सिपाही उनको ढूंढते हुए चल रहे थे, जैसे ही राजा ने नगर में प्रवेश किया दोनों को पकड़ करके राजा चंद्रकेतु के सामने पेश किया। राजा ने बिना सोचे विचारे दोनों को जेल खाने में डाल दिया। अब भगवान कष्ट देते हैं झूठ गए, इसका मतलब क्या है, हम आप कोई सही या तो भगवान की कथा के संकलन करो और यदि हम संकलन करते हैं तो उसको अवश्य करना चाहिए। अब राजा साधु में सलामत सहित जेल खाने में इतने कन्या कलावती माँ लीलावती दोनों घर पर थी, शांत माँ बेटी घर पर सोई थी, घर धन से प्रसन्न था और स्वयं बेटी की नींद खुली, अंदर बेटी मकान में गई क्या देखा सब घर खाली, माया रूपी चोर आए सब घर को, बेटी रोने लगी और माँ से पूछा परेशानी क्यों आई, रोए रोए बेटी कहे सुनो नी मैया मेरी निवानी, बेटी रोती है माँ से पूछ दिया परेशानी क्यों आई, जिसका प्रकट जो आए हुए बेटी तेरे जन्म से पहले भी कुछ कथा है बताया, तेरे जन्म से पहले तेरे पिता ने संकल्प किए थे कि मेरे घर बेटी का जन्म होगा तो अवश्य भगवान की कथा होगी, वो आज तक पूरे नहीं हुए और लीलावती बोली सुन परेशानी क्यों आई, सुन ले मेरी धिया कथा में तो ये सुना पहले का बेटी तुए बाल बताऊंगी, जन्म से पहले
भगवान की कथा नहीं कराई। विवाह की क्रिया भई सारी, जेल खाने में कन्या अमलावती मां लीलावती घर की भगवान नाम ज्यादा कठिन थोड़ी छली। बेटी बोली, माँ मुझे भूख लगती है। शाम का वक्त हुआ, लीलावती भिक्षा मांगने के लिए चली। पूरे घर लीलावती घूमी, मगर किसी ने पड़ा नहीं दिया। और तुम जानते हो, सब ज्ञानी हो, जब बुरा वक्त होता है तो भीख भी नहीं देखती। लीलावती लौट के आई, बेटी बोली, क्या लाइए बच्चा में? लीलावती बेटी कि भगवान सत्यनारायण की भगवान की कथा की। और लीलावती बोली, बेटी बराबर है, बुरे वक्त में हमको कोई भीख नहीं दे रहा। प्रातः होते ही सुबह हुआ, कन्या कलावती भिक्षा मारने के लिए चली। क्या देखा? एक भगवान की कथा देखी, जैसे आपकी यहाँ की जा रही है। विचार किया कि जहाँ धर्म के काम मिलते हैं, वहाँ अधिकतर भूतों को भोजन भगवान की कथा में बैठी है। शाम के वक्त जो कथा संपन्न होती है उसकी, तो बेटी प्रसाद लेकर के आई। माँ ने कहा, कहाँ से आई है, क्या कर्म में? कन्या कलावती बोली, सुन सुन सुन
बाबू सुन मेरी महकारी ब्राह्मण के आ गई भी ठाकुर सुन मेरी महकारी बोली माँ भगवान की कृपा है। मैंने एक कथा देखी भगवान और कथा में बैठ गई मैं भोजन के लालच में, मगर वहां भी किसी ने मुझे भोजन की नहीं पूछा, प्रसाद दे दिया भगवान का। कन्या कलावती बोली बेटी तेरे पिता ने तेरे जन्म से पहले कुछ संकल्प किए थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए, नहीं हुए, उसी के कारण आज हमको गर्भ भीख मांगनी पड़ेगी। तो देखो आधा प्रसाद बेटी ने खाया, माँ ने खाया, बुद्धि सदबुद्धि होती है भगवान के प्रसाद से। और बहुत लोग पूछते हैं पंडित जी कौन सी कथा की लीलावती कलावती, वो कौन से दिन की लीलावती कलावती में भगवान की कथा सबसे पहले प्रथम गुरुवार कौन सी कथा की भगवान से प्रार्थना की निवेदन दिया, तू हमसे खुदा से पति से मुझसे मेरी माँ से जो तृतीया गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा करो और हमारे पति पिता को जेल खाने से मुक्त कराओ। भगवान प्रसन्न होते, राजा चंद्रकेतु को भगवान ने आकाशवाणी की राजा इसकी फेटी में भीम तक मांग ली इतना कर चका भी है इन्हें को यहाँ से मुक्त करो। दोनों को मिलवाया, अब रोने लगे डरने लगे। राजा है, राजा मन की बात वो नहीं जानता है कोई, और अब के तो बंदी के लिए अब क्या जाने कोई, डरने लगे। कि राजा मन की बात को नहीं जानता है अब के तो बंदी करे अब क्या जाने हो रहे साधु वैश के सामने रोने लगे। राजा ने कहा तेने झूठ के कारण इतना कष्ट पाया है, कर्म में तो झूठ चलता साधु मगर धर्म में झूठ नहीं चलता। इसने दान कराए, वस्त्र आभूषण दिए और कहा अब झूठ मत बोलना। वहां से कसम खा करके आए झूठ बोलने के लिए नहीं, जैसे वहां से निकले दामाद बोले जान बच्ची और लाखों पाए लौट के बुद्धू घर घुमाए। भगवान बोले नारद जी बेटी ने पत्नी ने भीख तक मांगी है, आप जेल खाने से छूट करके गए मगर इनमें सुधार नहीं आया। भगती को समझी आ
तेरा जग में आन कुछ भी तेरा जग में आन कुछ भी तेरा बिना सत्संग विवेकन हो बिना सत्संग कल्याण नहीं है और नाम कृपा बिन सुलभ है। जिसका गुरु नहीं है उसका कल्याण नहीं है। गुरु बिन भवन कोई और जो निरंतर संग कर सम गुरु के बिना कल्याण नहीं है। साधु वैस ने भगवान विद्युत बोला और भगवान ने कहा नारद जी एक बार परिचय से की अभी और इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में भगवान बनेंगे गद्दी स्वामी और फिर परीक्षा लेते हैं उसकी। Yeah.
मिलनो कैसे होए मिलनो कैसे हो साधु वैश्य चौथे अध्याय भगवान बने दंडी स्वामी महात्मा और फिर परीक्षा लेते साधु वैश्य भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते आते साधु वैश्य ने आप पे आए साधु वैश्य भगवान से बोले प्रभु आपकी माया को ब्रह्मा जैसे ज्ञान नहीं जान पाए तो मैं मूर्ख नहीं जान सकता। भगवान ने साधु वैश्य से कहा साधु आज के दिन हम अपनी स्त्री पूजा करते हैं गुरु की तुम्हारे पास कुछ धन हो तो हमको दे दो। साधु वैश्य ने कहा हमारे पास धन नहीं है, हम तो लता पता बेल पत्र फूल माला के व्यापारी है। जब उनके साधु वैश्य के नाम में बहुत धन था व्यापारी था। तीन बार भगवान ने कहा साधु वैश्य ने तीन बार ही झूठ बोला तथा जैसा कहते हो वैसा ही होता है। जाके नहीं भावना जैसी ओ प्रभु पूरत देखी थे ना वैसी। साधु वैसे की नाव में जब धन था तो नाव जल में दबी हुई थी और फिर नाव हो गई खाली तो फिर बजने लगी ताली रोने लगी। दामाद बोले भगवान थे पास चलो तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। काढ़ी अड़ी मो पे विपिता परी बंसी वाले सामरिया शरण तुम्हारे मेरी काढ़ी अड़ी मो पे विपिता परी बंसी वाले सामरिया शरण तुम्हारे
भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपकी माया को ब्रह्मा जैसे ज्ञानी नहीं जान पाए तो मैं मूर्ख नहीं जान सकता। क्यों? हमने आप चोर समझे, इसीलिए आपसे झूठ बोला बोला। साधु बैस से भगवान बोले, सुन सुन, काया और माया और जीवन इसका कोई भरोसा नहीं। साधु, काया क्या है, माया क्या है और जीवन क्या है? भगवान बताने लगे, सुन सुन सुन, रात को सपना देखो, ले रुपया बंबई कलकत्ता पहुंच गए और नींद खुली तब मच्छर खा रहे अलीगढ़। माया सपना, भगवान बोले माया क्या है? ये yeah।
जाना होगा। भगवान बोले सुन रे संसार सुपन की माया जिंदगानी का केला ओ धर छाती पे हाथ एक दिन उड़ जाए हंस केला किस पे गर्व करे वो प्राणी आनी जानी माया और माटी में मिल जाएगी एक दिन जे माटी की माया रे संसार सुपन की माया राम नाम गुण गायले और जिसकी खातिर जन्म लिया है वो बिगड़ी बात बना ले। जब मन जन्म लेता है वहां से भगवान के यहाँ से तो भगवान से यही प्रार्थना करता है प्रभु हमको यहाँ से छोड़ो और आज के बाद में हम आपको जन्म लेंगे। वादा करके आता है वहाँ और यहाँ यहाँ क्या जगमग ढोले जीवन मैया कैसी सपरी अरे कैसी सपरी आहा कैसी सपरी अरे जगमग ढोले जीवन जगमग ढोले जीवन मैया कैसी सपरी जगमग ढोले जीवन मैया कैसी सपरी गर्व मास में बाजा की नो लुको नाम तुम्हारो गर्व मास में बाजा की नो लुको नाम तुम्हारो नाम तुम्हारो अरे पाहिरायो बोलो मारो मारो कह रे लाग दादा मैया जगमग ढोले जीवन मैया कैसी सपरी जगमग ढोले जीवन मैया कैसी सपरी खेल जमायो जवानी में मत छायो बालापन हरी खेल जमायो जवानी में मत छायो कोई वीर धरैया कैसे पाई ढोले जीवन नैया कैसी जगमग ढोले जीवन मैया कैसी सपरी कैसी सपरी रात मेरे कैसी सपरी जगमग ढोले जीवन मैया कैसी सपरी जगमग ढोले जीवन मैया कैसी सपरी गुरु भक्ति माए ज्ञानी तेरी जवानी आयो बुढ़ा को गुरु भक्ति माए ज्ञानी तेरी जवानी आयो बुढ़ा को गुरु भक्ति माए ज्ञानी परो पाए खटिया में मारे हे
साधु भगवान से प्रार्थना करते हैं। नारद जी बोले प्रभु बार बार झूठ बोलता है, इसको भगाओ। भगवान बोले नारद जी संध्या को हो समय दुखने दीजिए काऊ को, और दुश्मन आजा द्वार बैठना दीजिए भाऊ को। अति देवो भव हमारे दरवाजे पर शाम के वक्त में कोई अगर भी आता है तो उसका सम्मान करते हैं। क्यों? देखो बाबा मैं तुमसे कह रहा हूँ, ज्यादा धन मत जोड़ के मामला खराब हो जाए। अत्य अति सुंदर को बांध अति हल्की अंगुरी है। और बाबा भाई साहब बाबूजी एक बाबा है आपके जैसे एक ही बेटा उनके पास पढ़ा लिखा के कर दो सही कछु धन्यवाद बेटा की शादी है। जब शादी है गई घरवाली आई बेटा की बोली कि काम करो जब डोकर के खाट रहे ऊपर की मंजिल पे पहुंचा पहुंचा। छोरा बोला समझ करे बड़े उड़े पर खाए हमारी नहीं सब घर में कर कर दो। घर कौन को है? डोकर को। और छोरा कौन को है? डोकर को। वो खाट कहाँ जा रही है? भगवान की पैदा है वो दो तीन चार साल को नाती भयो तो नाती दोपहर के वक्त में बाबा की चारपाई के झोले पहुंच गए। और नाती ने बाबा की ताल जो अपने अंधे में कर ली ले आयो। शाम को बज गए नौ रात के ताल बजे तो भोजन जाए ताल बजी ना वो बोली आज लोग भूखे ना। शाम को छोड़ा आयो वाले की भोजन व्यवस्था पापन की कैसे के भोजन का उन्हें तो उठा ली ना बजाई। अब छोरा ऊपर गए चढ़े के बाबूजी तो बाबूजी बाबा ऊपर नहीं पहले दूसरी पहले पहुंच गए लास्ट छुट्टी। अब कभी लिखता है यहाँ भजन भजन और जोरी जोरी के धन गए नाती ले ले वो गंटल आए देखे बाबा भूखे अरे बाबा भूखे मर गए भैया बाबा भूखे मर गए नाती ले गयो गंटल आए बाबा भूखे मर गए नाती ले गयो गंटल आए घर बाहर के भाई के टिकटी तुरंत बनाई घर बाहर के भाई के टिकटी तुरंत बनाई
जिंदे बना गलो पानी है अरे आसन माने द्वार पे थे सबने मुड़ा बुलाए आसन मारे द्वार पे बैठे सबने मुड़ा बुलाए आसन मारे द्वार पे जी बैठे सबने मुड़ा बुलाए तेरे जनवा बात है फिर पान पुआ साधु वैश्य की नाम में भगवान ने धन को प्रफुल्ल किया और कहा अपने धाम को जाओ। साधु वैश्य अपने धाम में आए, मल्हा से कहा मल्हा हमारे घर जाकर के खबर करो कि तुम्हारे पति दामाद नगर के समीप भागे भागे। जिस समय मल्हा ने खबर की उस समय कन्या कलावती माली लावती दोनों भगवान की पूजा पे बैठी हुई थी। पूजा का महत्व ये है कि जब तक भगवान की कथा पूजा हो तब तक कथा में से उठ करके जाना नहीं चाहिए, ये नियम है कथा के, मगर मानते नहीं है। कन्या कलावती की माँ लीलावती बोली बेटी तो भगवान की पूजा करते है ना, और मैं पति के दर्शनार्थ को जाती हूँ, अधूरी छोड़ करके चली चली चली। श्री सत्यदेव की विमल भक्ति मन में उनके उत्पन्न हुई। सत्यदेव की विमल भक्ति मन में उनके उत्पन्न हुई थी। सत्यदेव की विमल भक्ति मन में उनके उत्पन्न हुई। लीलावती अधूरी कथा छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद कन्या कलावती ने चंचल मन से भगवान की पूजा की और बेटी भी वहां से चली। भगवान ने आकाशवाणी की कि जिस पति की खोज को तुम जा रही हो वो तुमको अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जिस समय भगवान की कथा होती है उस समय भगवान की जीव आत्मा कथा में रहती है, हर भक्त में भगवान की निगाह रहती है। कर्मण केवा के जनार्दन, जो जैसा करेगा वैसे फल की प्राप्ति होती है। कलावती समुद्र पे आई, बेटी रोती है, कहा प्रभु जीव न देह नदी बिन बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिन बारी। पति के बिना संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है।
बेटी रोने लगी, भगवान से प्रार्थना की। अरे जल बिन मीन नदी बिन बारी, जल बिन मीन नदी बिन बारी, जल बिन मीन नदी बिन बारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी, बेटी रोने लगी, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जी अब देह नदी बिन बारी और कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, नारी पति के बिना संसार में साथ देने वाला कोई नहीं। बेटी रोने लगी और भगवान से प्रार्थना निरंकार सुने अंतरामी, काहे पे पितारे डाली, ऐसी क्या गलती बन गई तने जोड़ी मेरी बिगड़ी, जोड़ी गई बिगड़ी नाम मेरी, जोड़ी गई बिगड़ी, ऐसी क्या गलती बन गई जो जोड़ी गई बिगड़ी, जोड़ी गई बिगाड़ी, ऐसी क्या गलती बन गई जो जोड़ी गई बिगाड़ी, गिर गिर धरण पछा रहे खाए रही, बिलख बिलख गोई मैया, ऐसी हालत है दोनों की जो पछा अरे जो बछड़ा बिन गैया हो मैया, जो बछड़ा बिन गैया, ऐसी हालत है दोनों की जो बछड़ा बिन गैया, भगवान से प्रार्थना करते प्रभु अब के माफ करो स्वामी, आए शरण तुम्हारी, माफ करो मुए स्वामी, आए करण तुम्हारी, निरंकार सुने अंतरयामी, तने काहे पिता डारी, अरे काहे पिता डारी राम मेरे, काहे पिता डारी, ऐसी क्या गलती बन गई जो जोड़ी गई बिगाड़ी, भगवान बोले सुन, पूजन दीना छोड़े अधूरा, अकल गई तेरी कुआरी, 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 लीला पे बलिहारी रे तुम्हारी प्रभु, लीला पे बलिहारी, अरे लीला पे बलिहारी प्रभु तेरी, लीला पे बलिहारी, ऐसी क्या गलती बन गई जो जोड़ी गई बिगाड़ी, साधु दुनिया चल तो तन्नवते सुन देवर जहमारी, साधु बनिया कर तो तांडवते सुन लो अर्ज हमारी, ऐसी क्या गलती बन गई तन छोड़ी गई बिगाड़ी, अरे छोड़ी गई बिगाड़ी राम मेरी, छोड़ी गई बिगाड़ी,
ऐसी क्या गलती बन गई जो जोड़ी गई बिगाड़ी। कन्या कलावती को भगवान ने आकाशवाणी की, घर जा भगवान की पूजा कर, क्षमा याचना मांग, भगवान का भोग लगा, तब तेरे पति तुझे प्राप्त होंगे। कन्या कलावती घर आई, भगवान की पूजा की, क्षमा याचना मांगी, भगवान का भोग लगाया और मैथिली समुद्र में पहुंची, उसके पति प्राप्त होते। बोल गोविंद भगवान की जय। साधु वैष्णव कन्या कलावती चारों घर आए, दोबारा कथा की और चौथे स्कंद में कन्या कलावती को माँ लीलावती विदा करती है। कहा बेटी, मैंने मेरे पति के झूठ के कारण बहुत कष्ट पाया है, अब तो अपने घर को जाओ। इसी के साथ में चौथा अध्याय पूर्ण होता है। बोल गोविंद भगवान की। अरे मन चले भगवान भैया जी। इसी के साथ में चौथा अध्याय संपूर्ण है। पांचवें अध्याय में ग्वाल वालों की कथा। हित आना है तो पशु पक्षी जाना, ये बात है मगर बोल नहीं सकते। पक्षियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमको जंगल में भगवान की कथा सुनवाओ। पक्षी भगवान से प्रार्थना करते, भगवान ने पांच बार वो आकाशवाणी की, ग्वाल वालों कुछ दूर जाकर के तंग राजा अहंकारी एक वृक्ष के नीचे बैठा है।
सबसे पहले प्रसाद राजा को ही देना, जिस वृक्ष के नीचे राजा बैठा है उस वृक्ष पर एक प्रेत बैठा है, जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई थी भूखा था, मन सुरा जन्म मजा नहीं है, वे भूखा भटकता हुआ राजा के पास बाल बाल आए और भगवान की कथा की। राजा से निवेदन किया, हमने कथा की है, हमारे प्रसाद को स्वीकार करो। राजा बोले, तुम ग्वाल बाल, हमें राजा, हम तुम्हारे प्रसाद को नहीं देंगे। जब देखे नरेश्वर ने सोचा दे तुच्छ बन सके ये तुच्छ बन सके ग्वाले तुच्छ बन सके ग्वाले देव का वह प्रसाद अपने हाथों दे लिया नहीं। हनुमान गरीबों से वचन दे रहा था को चाहिए तेरी सरती न्याया लेने अपराधी माने जा। राजा ने महंकार भरी ठोकर लगाई, कहा मैं तुम्हारे प्रसाद को नहीं लूंगा। राजा ने भगवान के प्रसाद में महंकार भरी ठोकर जो लगाई, प्रेत ने विचार किया, आज जैसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। प्रेत ने वृक्ष से उतर के झपट के भगवान का प्रसाद प्राप्त किया। जो योनि थी प्रेत, उससे हट करके मनस्योनी प्राप्त होती है, उसका कल्याण होता है। राजा अपने घर आए, क्या देखा राजा ने, 100 पुत्र थे राजा ने, सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इमारत खंडन नष्ट होती है। राजा रोने लगे, भगवान ने आकाशवाणी की, राजा याद जनों को मैं राजा तुम बार बार हूँ। हर अध्याय बताते पात्र लोग, जिस समय भगवान की कथा होती है उस समय भगवान की जीवात्मा कथा में रहती है। तेने मेरी कथा में 4 गलती की है, ऐसी गलती कोई भक्त किसी कथा में नहीं करे। भगवान बोले, एक रास्ता बचने का है, चाहता है तो क्या जंगल में जाओ, भगवान की कथा करो, क्षमा याचना मांगो, भगवान का भोग लगाओ, ग्वाल वालों को बुलवाओ, उनको भोजन कराओ, स्वयं भगवान का प्रसाद प्राप्त करो, तब तुम्हारे पुत्र धन तुमको प्राप्त होंगे। राजा तंग ध्वज जंगल में आये, भगवान की कथा की, क्षमा याचना मांगी, भगवान का भोग लगाया, ग्वाल वालों को बुलवाया, उनको भोजन कराए। राजा ने स्वयं भगवान श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान के प्रसाद को प्राप्त किया। तंग ध्वज राजा संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसी के साथ में पंचम अध्याय संपूर्ण है। बोल नारायण भगवान की जय। एक भजन और उसके बाद में Rama Rama Hare Hare 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 Rama Rama
सब घड़ी कष्ट की आएगी वृंदावन बिहारी लाल की शंकर भगवान की पार्वती मैया की विष्णु भगवान की लक्ष्मी मैया की बोल सच्चे दरबार की जय। आ जाओ और दोस्त के साथ चलो। चलो कैमरा वाला आ जाओ। आ जाओ दिखा दे। हां